नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। नागौर पांडुकला निकटवर्ती ग्राम कोड में कुछ महीने पहले नवरात्र महोत्सव के समापन पर मूर्ति विसर्जन के दौरान चार युवक गहरे पानी में डूब गए। चार युवकों में से तीन की मौके पर ही मौत हो गई और एक युवक गंभीर घायल हो गया था। इस दुखद घटना पर मृतकों के परिजनों को आज समाज सेवी एडवोकेट मुरलीधर बेनीवाल के प्रयासों से मुख्यमंत्री सहायता राशि के तहत आज रिया पंचायत समिति में सभी परिजनों को 1,00,000 रुपए सहायता राशि के चेक प्रदान किए गए। बेनीवाल ने कहा कि हमने लक्ष्य लिया है कि सभी कोट ग्राम पंचायत में सरकारी योजनाओं का लाभ हर पीड़ित मजदूर गरीब सभी ग्रामीणों को अंतिम छोर पर बैठे हुए हर एक व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। इसके लिए हम निष्ठावान रहेंगे। इस मौके पर मृतकों के परिजनों ने बेनीवाल का आभार व्यक्त किया। कोट ग्राम में कुछ महीने पहले पानी के अंदर माता जी की मूर्ति का विसर्जन में पानी के अंदर डूबने से तीन लड़कों की जो आकस्मिक जो मौत हुई है उस पे मुख्यमंत्री सहायता कोष से 1,00,000 रुपए तीनों परिजनों को मिले। उसमें हमारे साथ परिजन मौजूद हैं और आज पंचायत समिति में मुख्यमंत्री सहायता कोष से 1,00,000 रुपए के चेक आए और हमारा मकसद यही है, गरीब पीड़ित दलित और मजदूर व्यक्तियों को, हर गरीब व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, ज्यादा से ज्यादा सरकारी योजनाओं को उनको लाभ मिले और उनको सहायता प्रदान हो। आज इनको 1,00,000 रुपए के चेक प्रदान हुए और माना कि इनके जो बच्चों की जो मौत हुई है उनका हम उस रूप से हम मजबूत और सक्षम रूप से खड़े नहीं हो सकते, पर उनको आज आर्थिक सहायता दिला सके और इनको मजबूत कर सकते हैं, हमारा लक्ष्य यही है। सरकारी योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, गाँव के अंदर जो सड़क गाँव से शहर की ओर जाती है, जो योजनाएं शहरों के अंदर है वही योजनाएं वही लाभ गाँव के अंदर हर गरीब व्यक्तियों को मिले, हमारा लक्ष्य यही है। मुरलीधर बेनीवाल गाँव को।